ठीक आदमी है या आगे उसे बहुत गलत मालूम पड़ रहा है। साहब गलत आदमी नहीं है, उसको समझा देगा। तो कहिए कैसे आना हुआ? वो मेरा सलाहकार है साहब, कंपनी लिखाना है। क्या सेवा करूँ आप साहब? आपसे फरियाद है। क्या फरियाद है? रुपड़ी का बेटा गंगा सिंह, बीड़ी का बेटा गंगा सिंह, रुपड़ी का बेटा गंगा सिंह का रात से मेरी बेइज्जत की। गंगा सिंह को और गंगा सिंह के बाप तेरा सिंह किसी केस में डालकर उनको जेल भेज दिया जाए। आपसे ही रिपोर्ट। चलीदार साहब ये आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आपके नशे में गंगा सिंह मेरी बेइज्जत किया है। जिस गंगा सिंह और तिलक सिंह की आप शिकायत में कहा हुए हैं, मैं ये सुना हूँ कीड़ा के रूल से अच्छा आदमी और कोई नहीं है। कोई नहीं साहब, लोगों में उनकी चर्चा है कैसे वे किसान, इस क्षेत्र में कोई नहीं है और उन्हीं की आप शिकायत में कराए हुए हैं। साहब एक अच्छे आदमी को बुरा साबित कर दिया जिसे आप अच्छा कर सकते। साहब ये अयास कर रही थोड़ी बदमाश क्या बच्चे और उससे बढ़कर उसका बाप तिरसी नहीं। साहब सच कह रहा हूँ सर, हम लोग जाते हैं उसके पूरे परिवार जानता हूँ किस तरह के आदमी है, सब परिवार है साहब। इस बात को मैं माफी में तैयार हूँ और ये वर्दी मुझे फर्ज निभाने के लिए मिली है, ना कि किसी को नाजायज फंसाने के लिए। मैं कानून का पुजारी हूँ, इसलिए छोटी शिकायत पर मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। गंगा सिंह मेरी बेइज्जती किया है और आप उसे गुंडे समझते हैं। जमींदार साहब कसम खाने वाले तो मजबूत होते हैं, मैं कतई रिपोर्ट नहीं लिख पाऊंगा। सुनिए एक बात और बता दे रहा हूँ। तो कौन सी बात? जो आपको नहीं मालूम है उसे कान खोल कर सुन लो। से के लड़की नो करी मिल साहब। आप तो कहते थे कि साहब से मेरी पट्टी है, तुम नहीं जानते हो
जो साहब से प्रतीत हुए छुट्टी कर गए हैं, इनसे कोई संपर्क नहीं है। कोई आइडिया निकालो जिससे काम हो जाए। काम होने के बाद मैं सोचूंगा इनके साथ क्या शुरू कर रहे हैं। बाबू जी, मैं केवल आपसे मजबूर हूँ। क्यों नहीं तो मैं सब कुछ दिखा देता। कोई रास्ता निकालो। क्या आइडिया है? कौन सी रास्ता? जब मैं हवेली से चला तो मैं कुछ रुपए लेके चला। होगी 60,000 रुपए जिससे दुनिया की जुबान बंद हो जाती है। मार दो नोट का थप्पड़ मुंह पर। गुड आइडिया साहब। क्या है? आओ समय कुछ कहना चाहते? क्या अभी और कुछ बाकी रह गया है? आओ, अभी तो पहले शादी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कह लीजिए आप जो बाकी हो फिर कह लीजिए। तो जी साहब, अभी बहुत कुछ बाकी है। माफ करिए साहब, माफ करिए साहब, ये नोट स्वामी है और गंगा सिंह के पाप से मेरा पता चुकाई। नोट? हाँ सर, आई हुई माया को घर से भगाना नहीं चाहिए। रिश्वत लेना मेरे मजदूर के खिलाफ साहब। ये मिली है पैसे कमाने के लिए। अगर आप वादा कर देंगे ठाकुर वकील सिंह, तुम्हारा काम ओके होगा। मैं वादा करता हूँ साहब, आपको एक दिन लखपति बना दूंगा। जमींदार साहब, मैं कानून का पुजारी हूँ। न्याय करने के लिए तैनात किया गया हूँ, ना कि अन्याय करने के लिए। रिश्वत लेना मेरे मजदूर के खिलाफ है। गुस्ताखी माफ हो, तब तेरी रिश्वत पर हाथ नहीं लगाऊंगा। साहब, माँ बाप ने पढ़ाई किया, आप दरोगा बन गए और भी पहन लिया, तो नोट कमाने के लिए साहब। लेकिन माया को अरे लीजिए साहब लीजिए, ये खून पसीने की कमाई है, कसम पैदा कर रहा है साहब। सर अरे पैसा गुरु और सबके लिए। तुम जमींदार, तुम नेक हो, ये बात तुम पसंद आई। गंगा के बाप को दूटा के बस गंगा के बाप फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अदालत पर तुझे ये कहना होगा कि गंगा सिंह का बाप तिलक सिंह चोरी करते हुए पकड़ा गया। सरदार, आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगा। पहले मेरा FIR दर्ज करवाइए। दीवाजी, जमींदार साहब की रिपोर्ट दर्ज कर। तो जमींदार साहब, आप अपना पहले सुना बताएं। लिखिए ठाकुर बलवेश। आपका सुना ठाकुर बलवेश जी। आपके पिताजी नाम? लिखिए ठाकुर विजय सिंह। आपके पिताजी नाम? ठाकुर विजय जी। मौजा? मौजा झंगईपुर है, जिला जोधपुर। मौजा झंगईपुर, जिला जोधपुर। क्या आप तिलक सिंह के पाप का नाम बता देते हो? लिखिए सुबहादुर सिंह। सुबहादुर सिंह। आपके से कोई गवाह, कोई सबूत? एक मेरा सलाहकार है जिसका नाम ददुआ है। ठीक है, ये लोग दस्तखत कर दीजिए और उसको इसी में बुलाइए। कहीं बुलाने जाना नहीं मेरे साथ मौजूद। ठीक है ददुआ। आओ साहब। हाँ गवाही में नाम ला दो। आज दूसरी बात जी, आपका पर्चय है। मुझे लोग ददुआ कहते हैं। तुझे लोग ददुआ कहते हैं। आपके पिताजी नाम? बाबू शमशेर सिंह। आपके पिताजी नाम? बाबू शमशेर सिंह। क्या क्या आप तिलक सिंह को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं? क्या मैं जितना पूछे उतना बोलिए, जवाब दो। पहचानते हैं? पहचानता हूँ, जानता हूँ। तो आप ये बताएं
कि जमींदार से तुम अदालत में गवाही दे सकते हो? कोई शक? मैं जितना पूछू उतना बोलिए, अगर दे सकते हो ठीक है, नहीं जमींदार साहब तुम लोग दूसरा गवाह ढूंढेंगे मेरे मर जाने के बाद। लोग दस्तक कर दीजिए। भैया
अपने जीवन के लिए न सोचती न इस तरीके से सोचती। बात सत्य है कि अगर अकेले तुम झोपड़ी में रहोगी तो कहीं कोई कुछ कह देगा, तो गई हुई इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी। सब कुछ समझ रहा हूं कि अपने जीवन से रो रही हो, लेकिन अगर ये बात है आप देख रहे हो कि आप तुम्हारी समय बनी होती तो नाक बांध रिश्तेदार गांव समाज सभी मदद करते, और तुम्हारी आज समय बिगड़ गई है तो कोई नहीं सहारा देने वाला है। अगर ये बात है तो मोदी तुम्हारे अगर सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हारे जीवन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक माली की लड़की हो और मैं एक ठाकुर का लड़का हूं। अगर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? जिस लाज और इज्जत के लिए तुम रो रही हो कि अगर मैं झोपड़ी में रहूंगी
तो अकेली रहूंगी तो कोई कुछ कह देगा तो मेरी गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। नहीं 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 तो ठीक है, आज तुम एक ठाकुर खानदान की तरह ही बहन, जितना ध्यान देना कि भाई बाप की लाज और समाज की इज्जत बहन बेटी होती है। मोदी इतना ख्याल रखा बहन कि भाई का सर कभी समाज में नीचा नहीं करवाना। बहन भैया मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इस दुनिया समाज में अपने जीते जी आपको सर नीचा नहीं होने दूंगी। भैया तुम मेरी बहना, मेरी बहना, तेरा ठीक है भैया।